बिहार के ज्यादातर छात्रों का सपना होता है प्रशासनिक अधिकारी बनने का या फिर वर्दी पहनकर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का और समाज में सम्मानजनक पोजीशन पाने का। इसलिए ये जानना जरूरी है कि बिहार सरकार के अंतर्गत डायरेक्ट सबसे बड़े पद पर आप कैसे बहाल हो सकते हैं, जिसकी बहाली बीपीएससी करता है। बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बिहार लोक सेवा आयोग। ये विभिन्न सरकारी विभागों से प्राप्त विभिन्न रिक्तियों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन करता है। ये सूबे की सबसे सम्मानित और सारे गैजेटेड रैंक की परीक्षा लेने वाला संस्थान है। इसके लिए छात्र दिन रात एक कर पढ़ाई करते हैं। आज हम बता रहे हैं कि आखिर इस परीक्षा का प्रोसेस क्या है। वे उम्मीदवार जो ग्रेजुएट हैं और इसके नोटिफिकेशन के हिसाब से योग्य हैं, वे लोग इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें स्क्रीनिंग टेस्ट यानी पीटी यानी प्रीलिम्स टेस्ट यानी प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद जब वो सफल होते हैं तब मेंस परीक्षा और इंटरव्यू प्रक्रिया से गुजरना होता है और कमीशन परीक्षाओं का आयोजन कराने के बाद अंतिम मेरिट सूची को तैयार करता है, जिसके बाद उम्मीदवारों को उनके पोस्ट का आवंटन उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। अभ्यर्थियों को पोस्ट का आवंटन उनके द्वारा मेंस और इंटरव्यू में आए मार्क्स के आधार पर दिया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा 150 अंक की होती है, जिसमें सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न होते हैं। इसमें उत्तीर्ण छात्र मेंस की परीक्षा के लिए एलिजिबल होते हैं और इसमें कुल वैकेंसी का करीब 10 गुना अधिक रिजल्ट दिया जाता है। उसके बाद मेंस परीक्षा में सामान्य हिंदी का 100 अंक का एक पेपर होता है जो 3 घंटे का होता है। फिर होता है सामान्य अध्ययन का पेपर 1, वो भी 300 अंक का, जिसकी परीक्षा 3 घंटे की होती है। फिर होता है सामान्य अध्ययन पेपर 2, वो भी 300 अंक का और इसकी भी परीक्षा 3 घंटे के लिए होती है। इसके साथ साथ सिर्फ एक वैकल्पिक विषय रखना होता है जो छात्र अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो 300 अंकों का होगा और इसकी भी परीक्षा 3 घंटे के लिए ली जाएगी। आइए जानते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद आप किस किस पद को पा सकते हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा। प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत ये पद काफी जिम्मेदारियों से भरा होता है और इसी को पास करने के बाद सब डिविजनल ऑफिसर बनता है, जिसे डिप्टी कलेक्टर कहते हैं। फिर बिहार पुलिस सेवा यानी DSP। फिर बिहार वित्तीय सेवा। वित्त किसी भी राज्य का बैकबोन होता है, इसलिए वित्तीय सेवा में भी बहाली कराई जाती है। काराधीक्षक जेल सुपरिटेंडेंट। राज्य कर सहायक आयुक्त यानी कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर। अवर निर्वाचन पदाधिकारी यानी स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर। प्रोबेशन सर्विसेज। राजस्व पदाधिकारी यानी रेवेन्यू ऑफिसर। शिक्षा पदाधिकारी यानी एजुकेशन ऑफिसर। आपूर्ति निरीक्षक सप्लाई इंस्पेक्टर। ग्रामीण विकास अधिकारी रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर। श्रम पदाधिकारी लेबर ऑफिसर और गन्ना अधिकारी यानी शुगर केन ऑफिसर। ये कुछ लिस्ट हैं जो के पोस्ट आपको मिलता है जब आप बीपीएससी की परीक्षा पास करते हैं और ये मिलता है रैंक के हिसाब से कि किसको मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स मिलाकर कितना मार्क्स आता है और वो क्या पोजीशन और कुल पास हुए परीक्षार्थी में किसको क्या रैंक मिला। उपयुक्त पदों को बीपीएससी द्वारा आवंटित किया जाता है। अधिकारी कार्यालय के प्रमुख होते हैं और सभी संबंधित निर्णय ले सकते हैं। लगभग सभी पदों में पदोन्नति की संभावनाएं होती हैं। इन पदों में वरिष्ठ स्तर तक जाने के अवसर उपलब्ध होते हैं और उम्मीदवारों को इन जिम्मेदारियों के लिए तैयार रहना चाहिए। उपरोक्त सभी पोस्ट में एक अच्छा वेतन, भत्ता, सामाजिक ओहदा और प्रमुख जिम्मेदारियां निहित होती हैं। इन सभी पदों को चयनित उम्मीदवारों की अंतिम योग्यता सूची और चयन प्रक्रिया के समय किए गए चुनाव के आधार पर प्रदान किया जाता है। उम्मीदवार अपनी रुचियों के अनुसार पदों का चयन कर सकते हैं, परंतु अंतिम आवंटन आयोग द्वारा उम्मीदवार की योग्यता के आधार पर ही किया जाता है। बहरहाल ये एक ऐसी परीक्षा है जो कठिन और लगातार मेहनत के बल पर ही हासिल की जाती है। इसके बाद भी कमीशन
कि बहुत सारे कंडीशन हैं जो उसके नोटिफिकेशन में हर वैकेंसी की अलग अलग होती है। बिहार इन शॉर्ट की डेस्क रिपोर्ट।